party, 15,896. চূড়ান্ত ফল ঘোষণার পরপরই উল্লাসে মেতে ওঠেন রুশনার আলীর সমর্থকরা। পঞ্চমবারের মতো জয় পেয়েছেন বাংলাদেশ কি চার খাওয়াতিন जो यूके के इलेक्शंस में एज ए कैंडिडेट खड़ी हुई हैं और वो इलेक्ट हो गई हैं। ये चार बांग्लादेशी खवातीन हैं जिनको देख के हर कोई रान रह गया कि इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशीज जो हैं वापस री इलेक्ट हो गई हैं और हर कोई जो है उनको बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया भी पे भी इस हवाले से बात हो रही है। बांग्लादेश की इन चार ख्वातीन ने यूके में बांग्लादेश का नाम रोशन किया है और दुनिया को ये बताया है कि बांग्लादेश किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले बांग्लादेश की इतनी बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स यूके इलेक्शंस में खड़े हुए कि वो एक रिकॉर्ड नंबर था, जिसके बाद चार MPs बांग्लादेश की फाइनली इलेक्ट हो चुकी हैं, री इलेक्ट हो चुकी हैं। अभी आप लोगों से शेयर करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, ये देख के आप लोगों का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। ব্রিটেনের নির্বাচনে লেবার পার্টির বড় জয়ে এবার চমক দেখিয়েছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থীরাও। নতুন মন্ত্রিসভায় এসব MPর ঠাঁই পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচিত হচ্ছে পঞ্চমবারের মতো জয়ী রুশনার আলীর নাম। তালিকায় আছেন টিউলিপ সিদ্দিকী, বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন অপর দুই বাংলাদেশি। চূড়ান্ত ফল ঘোষণার পরপরই উল্লাসে মেতে ওঠেন রুশনার আলীর সমর্থকরা। পঞ্চমবারের মতো জয় পেয়েছেন আলোচিত লেবার প্রার্থী রুশনার আলী। বেতনাল গ্রিন অ্যান্ড স্টেপনি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী আজমল মাসুরকে 1600 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন তিনি। ছায়ামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে রুশনার এবার ঠাঁই পেতে পারেন মন্ত্রিসভায়। এতবার আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন, কিন্তু এবারই প্রথমবারের মতো লেবার পার্টি সরকার গঠন করছে, তাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যারা যারা আমাকে সমর্থন দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। টানা চতুর্থবারের মতো লন্ডনের হ্যামস্টেড ও কিলবার্ন আসনে জয় পান টিউলিপ সিদ্দিক। 23,000-এরও বেশি ভোটে বিজয়ী হন লেবার পার্টির এই প্রার্থী। উচ্ছ্বসিত টিউলিপ ভোটারদের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানান বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিও। অন্যদিকে ইলিং অ্যান্ড অ্যাক্টন থেকে জয় পেয়েছেন আরেক বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত প্রার্থী ডক্টর রূপা হক। পপলার অ্যান্ড লাইম হাউস আসন থেকে দ্বিতীয়বারের মতো বাজিমাত করেন আফসানা বেগম। তিনি পেয়েছেন 18,000-এর বেশি ভোট। বিজয়ী প্রার্থী জানান ফিলিস্তিনের পক্ষে কাজ করে যাবেন তিনি। এই লড়াইয়ে যারা আমার পাশে ছিলেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের পক্ষেই কথা বলে যাব। সেখানে যে বর্বরতা চলছে তার বিরুদ্ধে আমার লড়াই অব্যাহত থাকবে। এবারে নির্বাচনে অংশ নেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত 34 প্রার্থী। মীর মুশফিকা হাসান, যমুনা নিউজ। ওকে জি, এই রিপোর্ট আপ লোগোনে দেখি হ্যায়। ইয়ে হ্যায় জি বাংলাদেশি লড়কি, বাংলাদেশি খাতুন রোশানা আলী। আর ইয়ে নেই হ্যায় বলকে তিন ওর ভি খাওয়াতিন হ্যায় জিনকা মানে আপসে জিক্র কিয়া, ও ভি ইন ইলেকশনস মে উনহোনে জিত হাসিল কি হ্যায়। আর ইয়ে লেবার পার্টি কি খাতুন হ্যায় जिनके बारे में अभी ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है और इनको बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम दिया गया और कंग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद के लिए इनको स्पेशल जो है इनविटेशन दिया गया था, और जिसमें इन्होंने बांग्लादेश के हवाले से बात की कि बांग्लादेश की जितनी भी कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और हर जगह बांग्लादेश को जो है फुली सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है बांग्लादेश कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो यहाँ पे बांग्लादेशियों के लिए ये बहुत सारा काम करने जा रहे हैं ताकि बांग्लादेशियों को वहाँ पे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। और साथ ही इन्होंने फ़लस्तीन की भी बात की है, ये फ़लस्तीन के हक में भी काम करेंगी। यहाँ आप लोगों ने पीछे देखा कि ऋषि सुनाक जो इंडियन हैं
ब्रिटिश हैं और इंडियन हैं, उन्होंने पीछे फलस्तीनियों को सपोर्ट करने वाले तमाम लोगों पे एक्शन लिया। पुलिस ने किस तरह बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, स्टूडेंट्स को जिस तरह उन्होंने हरेस किया, उन पे इतना तशद्दुद किया गया कि ऋषि सुनाक को बहुत ज़्यादा हेट मिला जिसके बाद, और फाइनली एक दूसरी पार्टी लेबर पार्टी इन इलेक्शंस में विन हो के आ चुकी है। और अब जो है ये वही शख्स है जिसने बांग्लादेश का नाम लिया था और बांग्लादेश का कहा था कि लाइक बांग्लादेश, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि क्या इन्होंने कहा था बांग्लादेश के हवाले से, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इशू बिल्ट हुआ जिसके बाद इन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो इनका नाम है केयर स्टॉर्मर, तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। सो आई थिंक ये अच्छे प्राइम मिनिस्टर प्रूफ होंगे। एक जो डाउन टू अर्थ इंसान होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो आई थिंक अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए बेहतर अंदाज में काम करता है, और दूसरी कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा मुकाबले की जो कंपटीशन का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट नहीं करता। लाइक ऋषि सुनाक ने काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई, और ऋषि सुनाक की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया और डिसलाइक किया, और फाइनली अब लोगों ने केयर स्टॉर्मर को वोट दे के उनको विन करवा दिया है, जिसमें बांग्लादेश की भी MPs हैं। और बांग्लादेश को यार बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। बांग्लादेशी लड़कियां जहां भी जाती हैं छा जाती हैं, और एक दफ़ा फिर बांग्लादेश का नाम उन्होंने दूसरी कंट्री में जाके, दुनिया की दूसरी जगह पे जाके रोशन किया है, और बांग्लादेश की ही बात कर रही हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएँ कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर।